सर आपके सुन, एक मिनट मेरी बात सुन ले वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा जी। ऐसे मेरे से बदतमीजी नहीं करना, सब चुप रहेंगे। दो अरे एक मिनट, 30 साल का हूं मैं। तो यार बिग बॉस खत्म हो चुका है तो एंटरटेनमेंट का कोई ना कोई जरिया तो चाहिए। व्हाट इज अप यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग रोस्ट करने वाले हैं आसिम रियाज और खतरों के खिलाड़ी के कुछ और कंटेस्टेंट, साथ ही साथ रोहित शेट्टी को भी। तो चलो यार बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीन समझा देता हूँ। आसिम भाई अपने गए हुए थे खतरों के खिलाड़ी में, वहाँ वो गए थे खतरों से खेलने के लिए, लेकिन खतरों की जगह वो रोहित शेट्टी से खेल लिए। अपनी लाइफ में सर, हम वेरी सॉर्टेड, मैं यहाँ पे स्टंट मारने आया हूँ। यार आसिम प्रॉब्लम क्या है तेरी, कल भी तूने बहुत बकवास की। बस सर आपके, सुन एक मिनट मेरी बात सुन ले वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। कैसे पटक दूंगा? वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। कैसे? मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। क्या? वरना मैं उठक के पटक दूंगा। वाह रोहित सर वाह। रोहित बेटा खाने के बाद खाने का प्लेट उठक के ले आना। रोहित बेटा जरा टेबल उठक दो। रोहित भाई तुहर लहंगा उठक देना। बोलने में शब्द लड़खड़ा रहे हैं, बिल्कुल इनके मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरह। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी मूवीज अच्छी नहीं होती, बल्कि पूरा देश ही कह रहा है। ऐसे मेरे से बदतमीजी नहीं करना रोहित सर। से बिल्कुल बदतमीजी नहीं करना है, बड़े हैं वो तुमसे, रिस्पेक्ट करो। ऑलरेडी उनकी कितनी डिसरिस्पेक्ट हो चुकी है यार। बिजी नहीं करना, उधर जाए एक बार। आ जा, आप लोग चुप रहो, सब चुप रहेंगे। दो अरे एक मिनट, बीच में कोई नहीं बोलेगा, सब चुप रहेंगे। वन बाई वन सारे जानवर बोलेंगे। यार इस शो का नाम मेकर्स ने खतरों के खिलाड़ी रखा था। इस सीजन में आसिम भाई को देखने के बाद लगता है ये शो का नाम पत्थरों के खिलाड़ी रख देना चाहिए। वैसे नो हेट टू आसिम भाई, ऑलरेडी इतनी हेट मिलती है तो। दर्द है। अभी चले जा तू। अरे शांत रहे बाबा। अरे बाबा। अरे बाबा। अरे बाबा। 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 अबे इतना बाबा बाबा तो सत्यम यादव भी नहीं करता, सिर्फ अनिरुद्धा चारे बाबा करता है, क्योंकि वो डॉलर्स जो बनवा देता है। मोटी हाड़ी जावे से पार, मखा कई साड़े फेमस। यू जस्ट गॉट फेमस। अरे बाबा नो, आई एम नॉट, एवरीबॉडी इज फेमस टेक्निकली। जो शोहरत मैंने देखी है ना, ना किसी ने नहीं देखी है। सही बात है आसिम भाई, ऐसी शोहरत ना किसी को देखनी भी नहीं चाहिए। जो चार बार खुद बताना पड़ रहा है कि ऐसी शोहरत थी ना मेरी, सालों तुम लोगों ने देखी नहीं होगी। अरे किसी को शोहरत रहता है तो क्या उसे बताना पड़ता है? मनी, यू गाइस किडिंग मी, आई अर्न ट्रिपल ऑफ इट, आई हैव सो मच ऑफ मनी, यू कांट इवन इमेजिन। पैसा आसिम भाई, पैसा सालों जितना इसे मिल रहा है खतरों के खिलाड़ी में, उससे तीन गुना ये पहले से कमाता है। तो फिर क्या यहाँ सांप से अपनी गांड चुभाने आए हो, या कुत्ते के दांत चुभाने आए हो? वैसे अगर कुत्ते के ही दांत चुभाने थे तो अपने घर पे ही करवा लेते, सॉरी अपने घर पे ही काट लेते। I have so much money, you can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता है? अबे साले जिस सेट पे तू खड़ा है ना, वहाँ ध्यान से देख, एक गोरिल्ला खड़ा है एकदम लंबा चौड़ा, वो एक सूट पे 4 गाड़ियां उड़ा देता है। साले उससे खत्म आदमी आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। यहाँ से गाड़ियां उड़ रही है, वहां से गाड़ियां उड़ रही है, 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ, 4 दो अब तक फोड़ चुका होगा पीछे। आसिम भाई उन्हें लूजर्स मत बोलो यार, वो लोग खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट्स हैं, इससे ज्यादा बेइज्जती उनके लिए और क्या होगी? Not for these losers, bro. You understand? भाई, हेलो, हमसे बात करो। और ये जूता फेंक के मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप लोग तो पत्थर का यूज। You see the buzzing around internet because of me, bro. आसिम होता, ब्रो होता, ब्रा, ब्रा, अबे क्या ब्रा? You see the buzzing around internet because of me, bro, bro, bro. You have little lulli. It's because of me, brah. What is this, man? Yeah, come on, man. Come on. You live your life peacefully? That's because of me, brah. After 10 years, it's the same bus. Otherwise, ye aata jata pata nahi chalta. Kya kar rahe ho? Bakri ki gaand ja raha. Saale dikh nahi raha, do padi ke soki mar ke ja raha hai wo. Big Boss to hai nahi ki Salman boy ki chatoge to khatron ke khiladi hai to Rohit sir. Rohit sir, aap mahaan ho sir. Aapki movies शुरू से लेकर लास्ट तक देखता हूँ, आप तो इंसान के रूप में भगवान हो सर, आपसे बड़ा डायरेक्टर तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। चलो अब इसी बात पे एक मूवी में मुझे भी ले लो। सर सर वो इतनी बार तलवे चाट ली, आप तो एक मूवी दे दो यार। रोहित सर फिल्म दे दो, साइड एक्टर ही ले लेना, बैकग्राउंड डांसर ही ले लेना, एज ए स्टंट मैन ही ले लेना।
अबे झाड़ू पोछा भी चलेगा। आसिम एक मिनट बात ही मत करो। सर कुछ बोल रहे हैं आसिम। सर को बोलने दे, सर को बोलने दे, सर को बोलने दे। अबे ऐसा क्या होस्ट है जिसे कंटेस्टेंट जबरदस्ती कर रहे हैं कि सर को बोलने दे। सालो एक था जो विकेट के पीछे, ये मैं थाला के बारे में क्यों बोल रहा हूं, एक था जो मैं आ लो क्या अपनी पे इतना ही बोल के सामने वाली गांड फाड़ देता था, वो होता है होस्ट। इस समय रोहित सेठी होस्ट कम दोस्त ज्यादा लग रहा है। सलमान खान से सीखो यार होस्टिंग कैसे करी जाती है, और सिर्फ होस्टिंग ही नहीं वो बहुत अच्छा बंदा है यार। लोगों की नींद खराब ना हो इसलिए वो बिना उन्हें उठाए उन पर गाड़ियां चढ़ा देता है। बात खत्म हो गई ना। कैमरे के पीछे ब्रदरहुड, सामने मजाक उड़ा रहे हो, बात होगी मजाक, तेरा मजाक उड़ा मैंने। भाई उसका मजाक कैसे उड़ा दोगे यार, मजाक उड़ाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। वो बंदा खुद बिग बॉस में मजाक बन के रह चुका था। ये याद आ रहा है कुछ बिग बॉस का, साले इतनी बेइज्जती सलमान भाई ने की कट गई होगी तेरी। भाई यहाँ पे ना यार आसिम को हेट मिलना आई डोंट थिंक जरूरी था, नहीं डिजर्व करता था वो यहाँ पे, क्योंकि वो फैक्ट ही बोल रहा है यार। वो यहाँ टास्क करने के लिए आया, स्टंट करने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ना कि इन आंडू पांडू से बात करने के लिए। और इन में कौन सी खुजली मची है जो इन्हें आसिम से ही बात करके वो खुजली इनकी मिटेगी। कम ऑन मैन ग्रो अप, आई ब्रिंग यू हियर ब्रा। अभिषेक पागल है क्या? वो पागल नहीं वो लड़का है, तुम्हारे तरह टांगे दिखाकर मूवीज नहीं ना पा सकता है। रोहित सर आप कितने हैंडसम हो सर, सर आपसे ज्यादा हैंडसम तो मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं। और डायरेक्टर पूछो ही मत सर, आपसे बेस्ट सर इसी बात पे एक मूवी दे दो। वैसे इस सीजन में अगर आसिम के साथ साथ शहनाज गिल भी होती तब तो वो और नहीं जी पाता ये सीजन में। एरिया तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरा हाथ टूटा है, मेरे थंब टॉयलेट साफ कर, तेरा कोई हाथ नहीं टूटा। तेरी बारी मैंने समझा, उसका तेरा हाथ नहीं टूटा, वापस लगी है, काम कर बस टॉयलेट साफ कर। आसिम को ना यार इंस्टाग्राम पे 7.6 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। हेलो मोदी जी, पत्थरबाजों का संख्या मिल गया है। यू नो आसिम भाई बोलते रहता है कि मेरे जैसी शोहरत यहाँ किसी ने नहीं देखी। ब्रा भाई की इतनी शोहरत है कि प्राचीन काल वाले बिग बॉस 13 का आज तक वो अपने इंस्टाग्राम के बायो में लगा के लिखा रहता है कि मैं बिग बॉस 13 में था। सीजन खत्म हो चुका है आसिम भाई, अब तो बाहर निकल जाओ उससे। यार आसिम भाई को ना यार हर चीज में फर्स्ट ही आने का शौक है, हर चीज में। तुम देख लो बिग बॉस में भी फर्स्ट रनर अप आया था। ये मैन आसिम रियाज नीड सम मनी टू बाय प्याज। Come on man, come on, what is this bra? और तो और खतरों के खिलाड़ी का इस सीजन का सबसे चमचा कंटेस्टेंट सालीन, इतने तलवे चाटता है ये, इतना चाटता है ये कि एक समय के लिए मियां खलीफा भी शर्मा जाए। अरे नहीं अबे हटो, तुम लोग साले जलते हो तुम लोग। 1 2 सर एक काम करना सालिन, सर का लोमड़ा ही गांड में ले ले। साले समझ भी नहीं आ रहा है कि इंसान है या स्पर्म जो इतना चिपक रहा है। क्या मतलब जी भर के चमचागिरी करने के बाद भी रोहित सर ने एक भी मूवी नहीं दी। सालीन के लिए मैं यार एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि जिम जाके बॉडी बना ली, बाइसेप्स चौड़ा करवा लिया तुमने, के जिम जाके बॉडी बना ली, बाइसेप्स चौड़ा करवा लिया तुमने, और इसके साथ साथ हमने जिंदगी के भी करवा लिया तुमने, के क्यों बनोगे तुम फूल पत्ती और कांटों की तरह, के क्यों बनोगे तुम फूल पत्ती और कांटों के तरह जब जिंदगी तुम्हारी उलझी हुई है। कमेंट तो पढ़ो यार, क्या हुआ भैया, उनको स्टंट के दौरान स्कॉर्पियन ने काटा, आसिम ने मारा, माउथ कैंसर, चाय पीने के तुरंत बाद पानी पी लिया, टीना की याद आ गई टास्क करते करते। टीना और सालीन दोनों ही बिल्कुल सिमिलर थे यार, दोनों में सेम तरह की क्वालिटीज थी, ऐसी क्वालिटीज थी जो दिखती नहीं थी पर क्वालिटीज थी। सालिन का भी ना यार सही है, एक्टर्स को प्रोड्यूसर्स एक्टिंग करने के लिए पैसे देते थे, जब से सालिन आया तब से उसे एक्टिंग ना करने के पैसे मिलते। भाई तू मत कर भाई, तू एक्टिंग करे मेरी गांड फट जाती है। यार सालिन और चीनी में ना यार एक सिमिलरिटी है, दोनों ही मीठे। यार रोस्ट तो हो गया लेकिन यार मुझे ये अच्छा नहीं लगा, आसिम का इतना मतलब डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है या ये वो किया जा रहा है। उसने भाई बहुत सही किया, गांड फाड़ दिया उसने रोहित शेट्टी और ये सब सस्ते सोच का। सर सोच की क्या औकात है यार, तुम लोग सब तेरे को पापा बना के रखते हो रोहित सर।
एक मूवी दे दो सर, बदले में कुछ भी ले दो सर, एक मूवी दे दो। अरे सर खैर इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो इसका मतलब तुमको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक पिन है, वो जरूर देख लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।